अली बाबा दास्तान ने काबुल फेम एक्टर शीजान खान को पिछले साल तुनिशा डेथ केस में अरेस्ट किया गया था। जेल में 70 दिन बिताने के बाद उन्हें जमानत मिली। जेल से बाहर आने के बाद वो शो खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। अब एक्टर शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आ रहे हैं। इस शो में उन्होंने जेल में बिताए 70 दिनों के बारे में जिक्र किया। शीजान ने बताया कि कैसे उन्होंने जेल में खुद को संभाला। खतरों के खिलाड़ी में जब रोहित शेट्टी सभी को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो शीजान से पूछते हैं कि शो को लेकर क्या प्लान है। इस पर शीजान ने कहा, यहाँ तक आना ही मेरे लिए एक लड़ाई से कम नहीं है। जब किस्मत ने लाइफ में लड़ाई लिख ही दी है तो मैंने भी अपने आप को फाइटर बना लिया है। जीत के जज्बे के साथ आया हूँ सर। मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई है सर। मेरे उन 70 दिनों में मैंने अपने आप को दिन रात वो चीज कही है, न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है जनाब, इसे खेलना जरूरी है। इसी जज्बे के साथ आया हूँ, जीत कर भी जाऊँगा, कोशिश भी यही है। शो खतरों के खिलाड़ी की बात करें तो शो 15 जुलाई से शो स्ट्रीम हुआ है। शो में शीजान खान के अलावा ऐश्वर्या शर्मा, अर्चना गौतम, शिव ठाकरे, अंजुम फकीर, नायरा बैनर्जी, अर्जित तनेजा, डेजी शाह, रोहित रॉय जैसे कंटेस्टेंट्स हैं। वही पहले हफ्ते में शो से रूही चतुर्वेदी बाहर हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।